अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पोचे की डिज़ाइन बनाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थे 38 इंचेस, मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ पर हम प्लेट्स भी बनाएंगे और डिज़ाइन भी बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने समोसे बनाने के लिए 3x3 का स्क्वायर ले लिया है। ये मैंने 7 पीस लिए दोनों पोचे में लगाने के लिए, ये 7 पीस और ये 7 पीस। अच्छा जी, देखिए हमने इन समोसों को इस तरीके से लगा लेना है, 2 यहाँ पे, 3 बीच में और फिर से 2 यहाँ पर। अच्छा जी, हमने समोसे बना लिए थे, उसको हम इस तरीके से लगाना है। पहले हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है, ये इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमने एक एक इंच पर यहाँ पर 5 टाइम निशान लगा लेना और यहाँ पर लंबी स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, ठीक है। यहाँ पर हम समोसे लगाएंगे और यहाँ पर प्लेट्स लगा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलिए अब हम पहले प्लेट्स लगा लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक एक इंच पर लाइन खींच ली है इस तरीके से, ताकि हमारी जो प्लेट्स है सीधी आए। तो अच्छा जी, अब हम प्लेट्स ले लेंगे। ये हमने इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है, यहाँ से हमने एकदम बारीकी से सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। देखिए, ठीक है जी, जी मैं बताती हूँ आपको सिलाई लगाकर। अच्छा जी, मैंने प्लेट्स बना लिए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर समोसे लगा लेंगे, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ठीक है। हमने इसको इस तरह से रखकर ऊपर की तरफ, ये मैंने यहाँ पर प्लेट नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको फिनिशिंग भी देना है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने ये समोसों पर यहाँ पर इस तरह सिलाई लगा लेनी है, यहाँ इस तरह ऐसे, ठीक है जी। चलिए सिलाई लगा कर आपको बताते हैं। अच्छा जी, हमने अब समोसे भी लगा लिए इस तरीके से। देखिए जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर नहीं लगाया है। इसको हम इस तरह से रख कर, हमने इसको इस तरह पकड़ कर उसके ऊपर इस तरह फोल्ड कर कर हमने यहाँ पर टॉप स्टिच कर लेनी है, ठीक है जी। देखिए इस तरह टॉप स्टिच कर लेना है पूरा में। चलिए जी, आपको टॉप स्टिच करके दिखाते हैं। अच्छा जी, मैंने ये सिलाई लगा लेनी है। देखिए अब आप कितनी खूबसूरत आ रही है ये पैटर्न, थैंक्स टू मरियम परवेज। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। चलिए जी, अब हम नीचे का पोचा यहाँ का तैयार कर लेते हैं। ये इसके लिए मैंने, हम लोगों ने बुकरम ले लेनी है। ये मैंने 3.5 इंच लिए, जितना आपने कपड़ा छोड़ना है उसके अकॉर्डिंग ये जो बुकरम आपको कट करेंगे। तो हम इसको रॉन्ग साइड पर प्लेस कर कर पहले यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह पूरे में। उसके बाद हम इसको टर्न आउट करते हैं, इस तरह फोल्ड कर देंगे, स्टिच कर लेना है। हमने फोल्ड कर लिया है, यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, हमारे ट्राउज़र का बॉटम तैयार हो गया है। देखा कितना सिंपल और इजी था, और एलिगेंट सा डिज़ाइन बना है हमारा ट्राउज़र, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है, तो एक बार ज़रूर चेक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।